वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप इस तरीके का स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। और इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने से पहले आपको करना क्या होगा, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो यार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और मैं अपने स्टेटस को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज करता हूँ वो सारा मटेरियल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको 9.16 वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको इस वीडियो को ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। आपको साइड में एक ऑप्शन मिलता है स्पीड का, आपको स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको अपने वीडियो के स्पीड को गाइस आपको कुछ जितना इसे रख लेना होगा अपने हिसाब से। फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आना है, लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना इमेज को ऐड कर लेना है जिस इमेज का आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने इस इमेज को ऐड किया, और आप जिस इमेज का यूज करेंगे उस इमेज का PNG होना चाहिए। अगर आपको अपना इमेज का PNG बनाना नहीं आता है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख कर सीख सकते हैं। तो इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने इमेज को जूम करके इस तरह का आपको एडजस्टमेंट कर लेना है अपने स्क्रीन पर। तो आप इतना इसे जूम कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो गाइस मैं इतने इसे जूम कर लेता हूं, और जूम करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके लेंथ को आपको वीडियो के एंड तक लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको फिर से स्टार्टिंग में आना होगा, लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना लिरिक्स वीडियो सॉन्ग को ऐड कर लेना है। तो गाइस हमारा लिरिक्स वीडियो सॉन्ग आ चुका है। सबसे पहले आपको क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर जाना होगा और आपको नीचे से हल्का क्रॉप कर लीजिएगा अपने वीडियो को, क्योंकि गाइस ये जो बंदे का वीडियो है उस बंदे का लोगो आ जाता है, तो आपको क्रॉपिंग कर लेना है। क्रॉपिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको टिक पर क्लिक करना होगा, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाना होगा, आपको नीचे मिल जाएगा उस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको इसे कर लेना है स्क्रीन। तो स्क्रीन हो चुका है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। और गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, अभी हल्का जूम कर लीजिएगा और आपको अपने वीडियो को इस जगह पर इसे इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना है। और तो इतना गाइस आपको कर लेना है, और इसका जो पीछे का फालतू पार्ट आपको कट कर लेना है। तो गाइस आपको कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर लेना है, तो आपका जो पीछे का फालतू पार्ट है वो कट के हट जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको फिर से लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, आपको और एक वीडियो इफेक्ट को ऐड कर लेना है, तो हम उसे भी ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा वीडियो इफेक्ट आ चुका है, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट करना होगा। स्क्रीन वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर जाके इसे भी आपको कर लेना है स्क्रीन। तो स्क्रीन हो चुका है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओवरले में क्लिक करना है, और ओवरले में क्लिक करने के बाद आपको इस ओवरले को आपको डाउनलोड कर लेना है, मिस्ट्रीज फॉग। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको गेट मोर का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तो आपको ये मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो 4 नंबर वाला ओवरले होगा फॉग, आपको उसे ऐड कर लेना है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है, और अब इसे हल्का जूम कर लीजिए इस तरीके से। आपको जूम करने के बाद आपको इस जगह पर तो आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इतना हम कर लेते हैं, तो आपको भी कर लेना है, और इसके लेंथ को जो गाइस आपको वीडियो के एंड तक रख लेना है। तो इतना हमारा बनके तैयार हो चुका है, फिर आपको स्टार्टिंग में आना है, लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, और आपको अपना फ्रेम PNG को ऐड कर लेना है, तो हम उसे भी ऐड कर लेते हैं। तो कहाँ गया, तो इसे गाइस हम ढूंढ लेते हैं। तो ये हमारा फ्रेम PNG आ चुका है, आपको इसे ही फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट कर लेना है। तो स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट करना है, और इसके लेंथ को आपको वीडियो के एंड तक रख लेना है। तो फाइनली हमारा स्टेटस जो गाइस वो बन के तैयार हो चुका है। तो इसे मैं अभी एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। मेरे खाली
तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो आप भी अपना खुद का इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का आपका वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, आपको क्या करना है, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा और आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है जिस क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सो गाइस, आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।